नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लानिंग अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम जो प्लान बनाने वाले हैं वो है 30 फीट बाई 60 फीट का नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान, जिसका फ्रंट 30 फीट का होगा और जिसकी डेप्थ 60 फीट की होगी। तो चलिए प्लान को शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम इसके डायमेंशन चेक कर लेते हैं। इसका फ्रंट जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये 30 फीट का है और इसकी जो डेप्थ है ये 60 फीट की है। इसका जो रोड है वो यहाँ नॉर्थ से है, सामने से। और फ्रेंड्स, मैंने जो प्लानिंग बनाई हुई है इसमें तीनों साइड मैंने ब्लॉकेज दिखाया हुआ है, मतलब जितने भी वेंटिलेशन हैं वो आपके प्लॉट में होंगे। तो चलिए अब हम इस घर में एंटर करते हैं। इस घर का जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से है। यहाँ से जब हम घर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमको पोर्च मिलेगा। पोर्च का जो साइज़ है फ्रेंड, इसकी विड्थ है 11 फीट 4 इंच की और इसकी जो डेप्थ है वो है 22 फीट 6 इंच की। यहीं से मैंने बाहर से एक सीढ़ी भी ऊपर जाने के लिए दी हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप ऊपर रेंट पे भी दे सकते हैं, या फिर दो भाई हैं तो भी एक जैसा प्लान बना सकते हैं। यहाँ पोर्च से ही आप यहाँ ऊपर जा सकते हैं। और ये मैंने गार्डनिंग के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है। आप चाहें तो इसमें गार्डनिंग कर सकते हैं या ऐसे ही टाइल्स लगा के इसको खुला छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो मेन एंट्रेंस है घर का वो यहाँ पोर्च से यहाँ ये हॉल मिलेगा आपको। यहाँ हॉल में एंटर करेंगे आप पोर्च से। तो इस हॉल का जो साइज़ है वो इसकी विड्थ है 12 फीट 2 इंच की और इसकी जो डेप्थ है वो है 22 फीट की। तो यहाँ आप इसमें डाइनिंग का प्लेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ आपका सिटिंग भी आ जाएगा। काफ़ी बड़ा साइज़ है फ्रेंड्स ये हॉल का। और इस हॉल से तीन बेडरूम दिए हुए हैं। पहला जो बेडरूम है वो बाहर की तरफ है। इसकी जो विड्थ है वो दी हुई है 10 फीट 2 इंच बाई 12 फीट 9 इंच की। और इसी के साथ एक अटैच लेट बाथ भी दिया हुआ है। इसका जो साइज़ है वो 5 फीट इसकी विड्थ है और इसकी डेप्थ जो है वो 8 फीट की है। और इसी के साथ यहाँ ये डक्ट दिया हुआ है, जिससे यहाँ इस बाथरूम की बेड स्मेल इस डक्ट में जाएगी और हॉल में भी एक विंडो जो लगेगी वो भी उसको जहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा इसी डक्ट से। अब फ्रेंड्स, हम इस रूम से बाहर आते हैं तो हॉल के साथ एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है यहाँ पर। इसका भी जो वेंटिलेशन है वो भी उसी डक्ट में खुलेगा। इस बाथरूम का जो साइज़ है, इसकी विड्थ है 5 फीट और इसकी जो डेप्थ है वो है 7 फीट 4 इंच की। और ये जो डक्ट है इसका जो साइज़ है वो है 5 फीट 10 इंच, मतलब ऑलमोस्ट 6 फीट, और विड्थ इसकी 5 फीट है। तो इस यहाँ आने जाने का आप इस यहाँ जो विंडो लगाएंगे उसमें आप स्लाइड विंडो लगाएंगे तो आप यहाँ से इधर जा भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम चलते हैं दूसरे रूम में जो यहाँ दिया हुआ है पोर्च के सामने की तरफ। इस रूम का जो साइज़ है, इसकी विड्थ है 11 फीट 4 इंच की और इसकी जो डेप्थ है वो है 14 फीट 3 इंच की। तो ये रूम भी बहुत बड़े साइज़ का है। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो एक रूम ये दिया हुआ है, ये मास्टर बेडरूम है। इसका जो साइज़ है वो इसकी विड्थ है 12 फीट 2 इंच और इसकी जो डेप्थ है वो मिलेगी आपको 15 फीट 10 इंच की। ये इसके साथ एक ड्रेस रूम भी दिया हुआ है जिसका विड्थ है 5 फीट का और इसकी जो डेप्थ है वो है 7 फीट 6 इंच की। इसके साथ एक अटैच लेट बाथ भी दिया हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो 5 फीट की है और इसकी जो डेप्थ है ये 8 फीट की है। इसका जो वेंटिलेशन है वो पीछे जो स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ खुलेगा। अब फ्रेंड्स, जब हम इस रूम से बाहर आते हैं तो इसके साथ में ये नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन लगा हुआ है। इस किचन का ये एंट्रेंस जो हॉल से होगा, इसकी जो विड्थ है ये दी हुई है 11 फीट 4 इंच और इसकी जो डेप्थ है ये 14 फीट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े साइज़ का किचन है। इसमें 3 से 4 लोग आराम से एक साथ काम कर सकते हैं। इसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डबल साइड प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है। इसमें एक साइड सिर्फ गैस रहेगा और एक साइड इसका सिंक रहेगा। और यहाँ मैंने फ्रिज रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ एक स्लाइडिंग डोर होगा जहाँ से हम वॉश एरिया में आ जाएंगे। इस वॉश एरिया का जो साइज़ है फ्रेंड्स, इसकी विड्थ है 11 फीट 4 इंच और इसकी जो डेप्थ है वो है 7 फीट 8 इंच। यहाँ आप आराम से अपने बर्तन, वॉशिंग मशीन सब कुछ कर सकते हैं। और ये कि यहाँ ये गैलरी टाइप का दिया हुआ है जो 2.5 फीट का है, जिसमें इस रूम का विंडो का वेंटिलेशन यहाँ से होगा और ये बाथरूम का भी यहीं से होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्लान। आपको कैसा लगा मेरा प्लान कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।